अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हमारा पहले चैप्टर जो के है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, तो आप लोगों ने ये बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, हम लोगों ने वेरियस फिनोमेना देखने हैं लाइफ के। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने स्टडी करना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। डिफरेंट लेवल्स में हम लोगों ने स्टडी करना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो हम लोग सबसे छोटे पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सबसे मेजर एक्सट्रीम पॉइंट तक हम लोग जाएंगे। ये सारे लेवल्स हम लोगों ने आज स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। हमें पता है कि जो मैटर होता है, यानी कि मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज़ होती है जो कि हम लोग अपनी आंख से देख सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ये सारा कुछ मैटर है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैटर क्या होता है, ये बना होता है एलिमेंट से। और एलिमेंट्स फर्दर किससे बने होते हैं, एटम से, ठीक है। हर एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, तो हर एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। और एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल से मिलके पहले एटम बनता है। एटम में हमारे पास जो है वो एक एटम जो है वो बनाता है एक एलिमेंट, और एलिमेंट्स मिलके पूरा एक मैटर बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग इजीली देखते हैं इर्द गिर्द। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रेजेंट। उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन्स। ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो पार्टिकल्स है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स हमारे पास जो है 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं नेचर में, ठीक है। 92 एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनमें से जो 16 है ना वो बायो एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स से 16 जो हैं उनमें से बायो एलिमेंट्स हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का।
यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं, और वो 16 हैं जो कि बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, अब जो इनमें से भी आगे फर्दर जो 6 हैं वो क्या करते हैं, वो 99% बनाते हैं टोटल मास। ठीक है, और ये कौन सी इसमें आ जाते हैं, कौन कौन से हैं ये एलिमेंट्स, इसमें आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, ये 99% जो मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन उनमें से जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं ओनली 1% ऑफ बॉडी मास। ठीक है, 99% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास है वो सिर्फ ये 6 बना रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 10 हैं वो सिर्फ 1% बनाते हैं बॉडी मास। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रही हूँ। ये सपोज एक एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो शेल्स और सब शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर उनके शेल्स और सब शेल्स बनते हैं, और जितने ज़्यादा आउटर मोस्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उससे पता लगता है कि एटम ने या मैटर ने किसके साथ बॉन्डिंग बना दी है। ठीक है, तो बॉन्डिंग किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, बॉन्डिंग डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स पे जो के प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में। सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से पता लगेगा कि उसने किस तरह की बॉन्डिंग बनानी है। उसमें कई किस्म की बॉन्डिंग्स आ जाती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें काफ़ी बॉन्डिंग्स आती हैं। ठीक है, अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स, यही जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ये 6 और 10, ठीक है, इनकी अगर आपको मैं परसेंटेज कंपोजिशन बताऊं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जो कि बायोमास बना रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन है वो 65% प्रेजेंट होता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, और बाकी अदर्स आ जाते हैं जो कि बाकी के 10 बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो भी सारे मिलकर 1% बनाते हैं, उनकी अमाउंट इतनी छोटी होती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा बायो एलिमेंट जो बॉडी मास बनाता है वो है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और ये MCQ भी आपको पेपर में आ सकता है कि कौन सा बायो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन बनाता है बॉडी मास में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो है ऑक्सीजन 65%। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर तरीके से एटॉमिक लेवल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब
मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, इसमें जो हम लोगों ने बायो एलिमेंट्स जो अभी ऊपर स्टडी किए हैं उनका अगर मैं आपको बताऊं तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, कि आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये अलहदा अलहदा ये जो है बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, कि अलहदा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अलहदा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये क्या करते हैं, ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। और कंबाइन ये किस तरह करेंगे, जिस तरह मैंने आपको अभी ऊपर बताया है डायग्राम से कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उससे पता लगता है कि किस किस्म की इन्होंने बॉन्डिंग करनी है। तो ये इस तरह कंबाइन फॉर्म में रहते हैं कि ये बॉन्डिंग बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ और फिर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंबाइन फॉर्म में किस तरह होंगे, थ्रू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स, जिसमें कई किस्म की बॉन्डिंग्स आ जाती हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। अब बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, स्टेबल पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल कहेंगे। ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया था बायो एलिमेंट्स, अब हमारे पास वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग उन्होंने इकट्ठी बना ली है, वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। कोई भी एलिमेंट जो कंबाइंड फॉर्म में होंगे उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अब वो क्या बन गए हैं, मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये खुद को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट इनकी वैरायटीज आ जाती हैं, और इसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद इसमें अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो आपको नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स का लो होता है मॉलिक्यूलर वेट। जिन मॉलिक्यूल्स का लो होता है मॉलिक्यूलर वेट उनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वाटर है, ग्लूकोज है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, इनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अब आपको पता लग ही गया होगा कि जिनका हाई होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल आ जाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि मॉलिक्यूल क्या तब बनता है जब एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं दूसरों के साथ, जैसे कि ये वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, इसमें जो दो हाइड्रोजन है वो कंबाइन किए हैं एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये दो एलिमेंट्स हैं। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए तो वाटर बना, जो कि अब क्या है, बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से ये फर्दर मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है ऑर्गेनेली
और सेल लेवल। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले असेंबली होती है बायो मॉलिक्यूल्स की। अब हमारे पास ऊपर हमने देखा कि पहले बायो एलिमेंट्स होते हैं, फिर वो मिलके बायो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, फिर उसके बाद जब बायो मॉलिक्यूल्स की आगे फर्दर असेंबली होती है पर्टिकुलर वे में, यानी कि सही तरीके से जब उनकी असेंबली होगी तो वो बनाएंगे ऑर्गेनेलीज। इनको हम लोग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम लोग इनको इसलिए कहते हैं कि जो सिंगल सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये सिंगल सेल के अंदर सब सेल्स हो गए ना, अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो एक तरह से सब सेलुलर हुई, इसलिए हम लोग इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, इनकी आगे फर्दर जब असेंबली होगी, यानी कि जब सारे ऑर्गेनेलीज मिलेंगे तो ये बनाते हैं सेल्स, सेल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, हर ऑर्गेनेली क्या करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। हर एक का अपना अपना फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एक ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन करती है सेल में। अब ये क्या चीज है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये असल में प्रोसेस होता है, यानी कि ये जनरेट करती है इस प्रोसेस से एनर्जी को, और वो वाली एनर्जी जो है वो यूज होगी बाद में सेल्स से, यानी कि सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो ऑर्गेनेली जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और वो जनरेट करते हैं एनर्जी को, जो कि बाद में सेल जो है वो यूज करता है। इस तरह से हर ऑर्गेनेली जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है राइबोसोम्स, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, इनका ये काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं हमारे पास यूकेरियोट्स। लेकिन मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के, जैसे प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटिस्ट्स आ गए, इसके अलावा फंजाई आ गई, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए। तो ये डिफरेंट हम लोग थर्ड चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की जो है वो टाइप्स इस दुनिया में पाई जाती हैं। तो ये मैं अभी आपको इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ा रही, ये सिंपल अभी आपको मैं बता रही हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स और जो प्रोटिस्ट्स होते हैं ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि खुद जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, यानी कि इसमें काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है ना उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, उसमें ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और बाकी अगर हम फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर
मल्टीपल या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब सेल प्रेजेंट होता है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर यानी सेल, तो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल सेल होता है, इसके लिए हम इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल टिश्यू लेवल। अच्छा, अब टिश्यू लेवल में क्या होता है, ये वाले जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि सिमिलर सेल्स यानी जो एक जैसे सेल्स होते हैं उनके सिमिलरली फंक्शंस हैं, यानी कि सेल्स भी एक ही तरह के हैं पर फॉर्म भी वो एक ही तरह का फंक्शन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स और फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो एक जैसे सेल्स हैं और वो उनका फंक्शन भी एक ही जैसा है, वो सब इकट्ठे ऑर्गेनाइज होंगे और एक टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी जो सेल्स होते हैं, हर एक सेल वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हर एक सेल का अलहदा अलहदा फंक्शन जरूर है। माना कि वो एक तरह का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर कोई कर तो अपना अपना ही रहा है ना, ठीक है। वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, साथ में वो स्पेशल प्रोसेसेस भी जो है परफॉर्म करते हैं जो कि रिलेट करते हैं टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, यानी कि वो कुछ स्पेशल प्रोसेसेस भी परफॉर्म करते हैं जो कि रिलेट करते हैं फंक्शन ऑफ टिश्यू। यानी कि इसमें ये है कि जो सेल अपना फंक्शन तो वो कर रहा है, इसके अलावा कुछ और स्पेशल प्रोसेसेस भी कर लेता है जो टिश्यू के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हर एक सेल जो है इसमें वो दूसरे स्पेशल प्रोसेसेस भी साथ में परफॉर्म कर लेता है। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स टिश्यूज की देती हूँ, जैसे कि प्लांट टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कौन काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन कुछ की बता रही हूँ, जैसे एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है। अगर एनिमल्स की बात करूँ इसमें आ जाती हैं नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, तो इस तरह इनकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अच्छा, शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभार पेपर में क्या होता है कि सारे लेवल्स आपको दे दिए पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार सिर्फ इटसेल्फ ये वाला जो लेवल है ना, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, अकेला आपको यही लेवल पूछ लिया जाता है, इसका प्रॉपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाएं, ठीक है। तो इस तरह इसमें कुछ पेपर्स में ऐसा होता है कि डिफरेंट लेवल्स पूछ लेते हैं, कुछ में नाम बता देते हैं, इन इन लेवल्स का बताएं, तो ये आपने सारे लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने और पेपर के लिए लाजमी तैयार करके जाने हैं। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद है जो हम हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर एक सेल थोड़ी प्रेजेंट, हमारे अंदर तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं,
तो हम लोग हायर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा और ऑर्गन बनाएगा, ठीक है, जो कि प्रॉपर एक यूनिट है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि ऊपर हमने देखा टिश्यू किस तरह से बनता है कि सिमिलर सेल्स हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शंस, इकट्ठे होंगे टिश्यू बना देंगे। अब ऑर्गन किस तरह बनेगा? ऑर्गन इस तरह बनता है कि एक टाइप है हमारे पास टिश्यू की जो ऑलरेडी सेल्स से मिलके बन चुकी है, एक टाइप, उसके साथ साथ बाकी और टाइप्स भी हैं अब टिश्यूज की। वो जब इकट्ठी ऑर्गेनाइज होंगी, यानी एक से ज़्यादा जब टिश्यूज ऑर्गेनाइज होंगे, तो एक ऑर्गन का लेवल बनाएंगे, यानी कि ऑर्गन बनाएंगे। इसमें काफ़ी हम लोग बच्चों, जब हम बचपन में होते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि ऑर्गन्स के नेम्स बताएं, आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। तो ये किस तरह बनते हैं? जब टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो यूनिट बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी जो टिश्यूज होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म के टिश्यूज है ना, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। इस पे एक जैसे फंक्शन नहीं वो परफॉर्म कर सकते, क्योंकि अलग किस्म के टिश्यूज आ रहे हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। और कलेक्टिवली वो क्या बनाते हैं? फंक्शन ऑफ ऑर्गन, यानी कि डिफरेंट हमारे पास टिश्यूज हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं। जब उनको इकट्ठा किया तो उन्होंने फंक्शन एक बना दिया ऑर्गन का, ठीक है। इसमें हम लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ऑर्गन है स्टमक। अब स्टमक का तो सबको ही पता होगा ऑब्वियसली। अब इसमें हमारे पास, सपोज मैं आपको बताती हूँ कि दो टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और भी काफ़ी टिश्यूज होते हैं, एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ, ठीक है। दो टिश्यूज हैं, एक हमारे पास है एपिथीलियल, जिसको हम लोग ग्लैंडुलर भी कहते हैं टिश्यू। एपिथीलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? ये सिक्रीट करता है, यानी कि बाहर निकालता है गैस्ट्रिक जूस को। ये गैस्ट्रिक जूस को बाहर स्टमक में सिक्रीट करता है, निकालता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स की। जैसे हम लोगों ने कोई फूड खाया, ठीक है, अब उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगी उनकी डाइजेशन के लिए एपिथीलियल टिश्यू ने क्या करना है? गैस्ट्रिक जूस बाहर सिक्रीट करना है। जब वो गैस्ट्रिक जूस बाहर सिक्रीट करेगा तो फिर हमारे पास डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की, ठीक है। अब ये ऑर्गन, स्टमक ऑर्गन है, उसमें मैंने अभी आपको एक टिश्यू का बताया है। अगर दूसरा टिश्यू मैं आपको कहूँ कि स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शंस करता है स्टमक वॉल्स की। ये क्यों करता है? फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू ने क्या करना है कि ये स्टमक की जो वॉल्स होती है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो यानी सुकड़ना जिसे कहते हैं ना, तो इस तरह से वो उसको ना कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को। कॉन्ट्रैक्शंस वो इसलिए करता है ताकि ईजिली हमारे जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया है उसकी आगे फर्दर ग्राइंडिंग हो सके, यानी कि स्मॉलर पीसेस में वो ग्राइंड हो सके। और उसके बाद क्या ये करता है? कॉन्ट्रैक्शन से फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता 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 वेयर्स की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शंस होती जाती हैं, और फूड जो है वो नीचे पोस्टीरियर एंड में, यानी कि नीचे स्टमक की जो नीचे वाला एंड होता है वहाँ पर वो मूव कर जाता है। तो ये दो टिश्यूज़ हैं जो आपको मैंने बताए हैं ऑर्गन के अंदर, जो कि है स्टमक।
अब इसमें दो टिश्यूज है, परफॉर्म वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं लेकिन बना किसका ऑर्गन का फंक्शन रही है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया ऑर्गन, अब दूसरा हमारा था ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शंस, ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, अब आपने ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी। ऑर्गन में ये था कि हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज हैं, परफॉर्म डिफरेंट कर रहे हैं फंक्शंस और बनाते गए ऑर्गन, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गन्स को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया, लेकिन सिर्फ वो वाले ऑर्गन्स को हम लोगों ने इकट्ठा करना है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शन, यानी कि एक जैसे फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपको पता होगा, मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन। अब देखिए इसके अंदर प्रॉपर ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और वो लेकिन परफॉर्म एक ही तरह का फंक्शन रहे हैं जो कि क्या है, डाइजेशन कर रहे हैं। अब इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ओरल कैविटी जहाँ से हम लोगों ने फूड इनटेक किया, फॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, ये एक सीक्वेंस नहीं बता रही, वैसे ही बता रही हूँ कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास एटसेट्रा, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ डाइजेशन के लिए तौर पे ये यूज़ होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर एक बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं किन में, एनिमल्स में, और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनके जो फंक्शंस भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो एक्टिविटीज़ भी खुद परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट वगैरह ये वो, तो इसलिए उनका उनके जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये था पूरा एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब हमारे पास अगला आता है इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या होना है कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, प्रोसेसेस भी आ सकते हैं एंड एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं और उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अब इनमें जब ये ऑर्गेनाइज होंगे तो बनाएंगे इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल उस वक्त बनेंगे जब सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज होंगे और ये बनाएंगे, जैसे कि मैं भी एक, आप भी और मैं भी एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, और हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स भी, ठीक है। अब पूरा इंसान तक हम पहुंच चुके हैं, आगे देखते आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक कोई शख्स है, एनी पर्सन, वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसके मसल्स यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली मसल्स तो लास्ट में यूज होंगे। साथ में उसका क्या हो रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है उसकी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा हो रहा है और हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो रही है। अब वो क्या करेगा कि वो जब हार्ट बीट ज़्यादा होगी
तो वो इनहेल एक्सहेल ज्यादा करेगा, यानी कि वो सांस ज्यादा तेजी से लेगा। तो जब वो सांस ज्यादा तेजी से लेगा तो क्या होगी, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल होगी। तो ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं बाद में उन उस ऑक्सीजन को, और क्या कोई भी फूड हम लोगों ने जो इंटेक किया होगा, ये क्या करेंगे, फूड या ऑक्सीजन को ये मसल्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन इंक्रीज किया, हार्ट बीट इंक्रीज हुई, ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा हो रही है, ये ऑक्सीजन और फूड जो हम लोगों ने इंटेक किया होगा उसको जो है मसल्स को प्रोवाइड करेंगे। मसल्स को क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो कंटिन्यूस वर्क करते रहे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। सब में कोऑर्डिनेशन हुई, सारी एक्टिविटीज हुई और सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ने वर्क किया। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल, अगला लेवल कौन सा आता है, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन जैसे कि पाकिस्तान की अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो अब हम इस तक पहुंच गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल में हम लोगों ने क्या करना होता है, ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सेम स्पीशीज का, ये SPP का मतलब है स्पीशीज। ठीक है, जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगी तो मैं अब SPP यूज किया करूंगी। ठीक है, सेम स्पीशीज है, सेम प्लेस में और सेम टाइम में, इसको हम लोग हैबिटेट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स भी वो वाले जो सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, एक तरह की वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या एक जगह पे रह रहे हैं, उस जगह को हम लोग हैबिटेट भी कह सकते हैं बायो की लैंग्वेज में, और एक ही टाइम में प्रेजेंट है। यानी कि सपो यानी कि इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आ सकती हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये स्पीशीज का मतलब बताऊं, स्पीशीज क्या होती हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। स्पीशीज होती हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कैपेबल होते हैं किस चीज के, क्या कर सकते हैं, वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, यानी कि आपस में वो ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे आगे से पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ह्यूमंस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, स्पीशीज क्या होती हैं, जैसे कि ये है कि एक जगह में हम स्पीशीज सारी प्रेजेंट है। हमारी स्पीशी कौन सी है, हम ह्यूमंस हैं। अब हम एक तरह की स्पीशीज हैं, एक टाइम पे रह रहे हैं, और हमारी जगह जो एरिया जहाँ जहाँ ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन है सेम स्पीशीज की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि ग्रुप होता है डिफरेंट पॉपुलेशंस का। ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख रही हूँ, पॉपुलेशंस है ये। वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशंस भी हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं। ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट उनका सेम है। वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है। इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं,
प्रोटेस्टा है एटसेट्रा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? कम्युनिटी का मतलब ये है कि अब हमारे पास पॉपुलेशंस डिफरेंट किस्म की हैं। ठीक है, पॉपुलेशंस डिफरेंट किस्म की हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में, और लेकिन जो एनवायरनमेंट सेम है। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, उसके अंदर एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, फंजाई हैं, और भी डिफरेंट हमारे पास वहाँ पे पॉपुलेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरी एक कम्युनिटी जो होती है फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युनिटी लेवल होता है। अब कम्युनिटीज हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, ये सिंपल भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। सिंपल में हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पोलन लॉग है। पोलन लॉग का मतलब ये है कि जैसे लॉग होती है, ट्री का जो ट्रंक होता है उसको लॉग कहते हैं। ठीक है, वो सपोज गिर गया, अब उसके अंदर डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस मौजूद थी, वो क्या हो गई, उनका पॉपुलेशन का साइज उसके अंदर बहुत लिमिटेड था। ठीक है, और वो उतना ही रहेगा और वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसमें ये खदशा होता है कि इसमें जो है कोई भी अगर चेंज आ जाए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर में। ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नहीं मैं आपको बता रही। कोई भी चेंज आ जाए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में, उसका रिजल्ट क्या होगा, ड्रास्टिक होगा। ड्रास्टिक इफेक्ट्स कोज होंगे और जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स किस सेंस में होता है कि एक पॉपुलेशन इसमें इंक्रीज करती है और दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज करती है। ठीक है, जैसे इसमें वही एग्जांपल आती है, फॉरेस्ट आ जाता है, फॉरेस्ट की कम्युनिटी आ जाती है, पॉन्ड की पॉन्ड्स की कम्युनिटी आ जाती है। ठीक है, इसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है, दूसरी डिक्रीज करती रहती है, वो ईटिंग का प्रोसेस चलता है और प्रॉपर साइकिल चलता है, फूड चेन, फूड वेब, ये वो, ये सारा कुछ हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर में क्या होता है, ये ऐसा पार्ट होता है अर्थ का, जमीन का ऐसा हिस्सा जिसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज। ठीक है, वो क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर। इसका क्या मतलब, मतलब ये है कि अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट हैं, सिर्फ आप पॉपुलेशंस प्रेजेंट नहीं है, इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट हैं, तो वो क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। ठीक है, वो वाला हिस्से को हम लोग बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, अब इस वाले हिस्से में, बायोस्फीयर में सारे इकोसिस्टम्स होते, इसलिए इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इकोसिस्टम क्या चीज है, कौन से ये सिस्टम्स हैं, ये वो सिस्टम्स हैं जिसमें इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। अच्छा, इसमें हम लोग ने इकोसिस्टम्स में अब सिर्फ वो नहीं देखना कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखना, इकोसिस्टम्स में वो वाली इंटरेक्शंस भी आ जाती हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होती हैं।
ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाले हिस्से को जो अर्थ का है जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट है इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ कहते हैं अर्थ की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इधर ही तक था और होप्सो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आज का टॉपिक कि हम लोग किस तरह से एटम से स्टार्ट हुए थे और किस तरह हम लोग ने प्रॉपर पूरा बायोस्फीयर बना दिया है। ठीक है, तो आप अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिस चीज़ की समझ ना आए प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इस आपने इसको लाजमी याद करना है। ठीक है, उसके बाद इसके ये जो नोट्स हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।